स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पहाड़ी ब्यूटी में और मैं हूँ मोनिका और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना स्किन केयर रूटीन जो कि है नाइट का, यानी कि नाइट स्किन केयर रूटीन। और ये स्पेशली ये रूटीन है ऑयली स्किन वालों के लिए, क्योंकि मेरी भी ऑयली स्किन है गाइस। और मुझे पता है जिनकी ऑयली स्किन होती है उन्हें कितने सारी प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा जो पिंपल की एंड ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है ना वो ऑयली स्किन वालों को ज़्यादा होती है। तो आप कौन से 2-3 स्टेप फॉलो करें डेली जिससे कि आप अपनी स्किन का एक्सेस ऑयल को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड गाइज आपको जितना हो सके ना उतना नेचुरल रहने चाहिए। तो मैं इसमें हमेशा मैं नाइट में भी हो डे में भी हो कोशिश करती हूँ कि सारी नेचुरल चीज़ों को ही लूँ, क्योंकि हम लोग बहुत सारा मेकअप करते हैं तो मेकअप में ऑलरेडी इतने सारे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के साथ रिएक्शन करके वैसे ही हमारी स्किन की बैंड बजा देते हैं। तो कोशिश कीजिए जितना हो सके नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, होम रेमेडीज़ को यूज़ कीजिए। होम रेमेडीज़ अपना असर दिखाने में टाइम जरूर लगाती है लेकिन वो इफेक्टिव जरूर होती है। तो आज की मैं इस वीडियो में आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि आप 2-3 स्टेप नाइट में फॉलो करके किस तरीके से अपनी स्किन को ग्लोइंग एंड फ्लॉलेस बना सकते हैं और किस तरीके से अपनी स्किन का जो एक्सेस ऑयल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। और इसके बाद सबसे पहले हम करेंगे मेकअप रिमूव। मेकअप रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए आप मेकअप रिमूव करोगे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप जो नेचुरल चीज़ें होती हैं जैसे आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने ज़्यादा फेस पे मेकअप नहीं किया है, मेरे फेस पे है थोड़ी सी लिपस्टिक एंड ये आईलाइनर और काजल, और मैंने लगाया है फेस पे होममेड बीबी क्रीम। तो चलिए फेस आमंड ऑयल अपने फेस का मेकअप रिमूव करने के लिए आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ थोड़ा और फेस पे लगा लेती हूँ। गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑयल यूज नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अभी हम करेंगे इसे रिमूव। तो आप अच्छी तरीके से लगा लीजिए ऑयल को फेस पे। महंगे महंगे रिमूवर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेकअप रिमूवर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है महंगे महंगे, एंड उससे ना स्किन बहुत थोड़ी बहुत ड्राई हो जाती है, बट ऑयल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे ऐसा नहीं होता है। तो चलिए फिर सॉरी मेरा फेस। टिश्यू पेपर से अब सब क्लीन कर लीजिए और कोई बात नहीं अगर ज्यादा फेस फिर रह भी जाता मेकअप तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके बाद हमें करना है फेस वॉश। दोस्तों आमंड ऑयल कोकोनट ऑयल ही बेस्ट है मेकअप को रिमूव करने के लिए। तो अब इसके बाद करके आते हैं फेस वॉश, और मैं फेस वॉश करने के लिए यूज करती हूँ ये क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, और इसे मैं अभी इसे नाइट में यूज़ करती हूँ हमेशा क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, एंड मॉर्निंग में मैं यूज़ करती हूँ अपना होममेड फेस वॉश। और इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, आप होममेड फेस वॉश का वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड मैं एक सेकेंड फेस वॉश भी लाने वाली हूँ जो भी बिल्कुल होममेड होगा, और उसे मैंने भी 2-3 बार ट्राई किया है लेकिन बहुत अच्छा है, तो वो रेसिपी भी मैं उस चीज़ की भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए पहले फेस वॉश करके आ जाते हैं। तो गाइज अभी मैं करके आ गई हूँ फेस वॉश, और इसके बाद मैं करने वाली हूँ स्क्रब। स्क्रब के लिए मैंने लिया है चावल का आटा जिससे कि मैंने इस बोतल में रखा हुआ है, और इसके साथ मैं लेने वाली हूँ गुलाब जल। तो ये गुलाब जल है, और इन दोनों को एक एक टेबलस्पून ले लीजिए और इनका मिक्सर बना लीजिए। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है और ये हमारी स्किन को वाइटनिंग बनाने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये मैंने बाउल में ले लिया है स्क्रब, और अब मैं इसे लगा रही हूँ अपने फेस में। आपको बहुत जेंटली जेंटली अपने फेस पे स्क्रब करना है इसे, और इसे मैं करती हूँ एक दिन छोड़कर, मैं डेली नहीं करती हूँ स्क्रब, एक दिन छोड़कर करती हूँ।
और डेली में मेरा जो रूटीन होता है वो CTMA होता है, यानी कि क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। बट एक दिन छोड़ के मैं पक्का डेफिनेटली यही वाला स्क्रब करती हूँ, एंड हो कभी कभी मैं चेंज करती हूँ, ऐसे नहीं रोज़ करती हूँ ये वाला, कभी मैं चेंज भी करती हूँ, लेकिन अक्सर मैं जो ये चावल के आटे का स्क्रब है यही करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा होता है। तो धीरे धीरे फिंगर टिप से आप स्क्रब कर लीजिए इसे अच्छी तरीके से। और आपको स्क्रब करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, आपको फेस को ज़्यादा रगड़ना नहीं होता है, खींचना नहीं होता है, उसे धीरे धीरे करके स्क्रब कीजिए आप। एंड अपने नोज़ एरिया पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, वहाँ पे ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जो हमारा नोज़ एरिया होता है। एंड सबसे ज़्यादा जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है वो भी हम नोज़ पे, और जो हमारा टी जोन एरिया होता है ना वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ओपन पोर्स की एंड ब्लैक हेड की भी, तो वहाँ पे थोड़ा स्क्रब पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी स्क्रब हो गया है कंप्लीट और ये कर दिया मैंने फेस वॉश। और गाइस, फेस वॉश करने के बाद हम एक और स्टेप फॉलो करेंगे जिसे कि मैं एक दिन में 3 बार करती हूँ, और वो है आइस क्यूब का। आइस क्यूब जो मतलब ओपन पोर्स मेरे फेस पे हैं तो मैं उसके लिए आइस क्यूब का यूज़ करती हूँ, तो ये मेरे को बहुत हेल्प देता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आप भी एक स्टेप और फॉलो कर लीजिए, वो है आइस क्यूब का। आइस क्यूब लगा लीजिए अपने फेस पे और उसको ड्राई होने दीजिए, एंड देन आप टोनर को अप्लाई कीजिए। तो मैं 2 टोनर यूज़ करती हूँ, एक मेरा होममेड जो है नीम टोनर है और एक मैं यूज़ करती हूँ गुलाब जल का। तो अभी मैं गुलाब जल ही लगा रही हूँ अपने फेस पे और इसे ड्राई होने दीजिए थोड़ा 1 मिनट, और उसके बाद मैं लगा लेती हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, और इसको भी मैं कभी प्लांट का एलोवेरा जेल लगाती हूँ एंड कभी ये पतंजलि वाला। ऑयली स्किन वालों के लिए तो एलोवेरा जेल कहते हैं ना वरदान के जैसे हैं, एकदम वरदान जैसे हैं एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल को अच्छी तरीके से थोड़ा सा मसाज कर लीजिए अपने फेस पे एलोवेरा जेल से, और यही आपका डार्क सर्कल का एंड आपके लिप्स का और आपके आईब्रोज सब का ख्याल रखेगा, आपकी पूरी स्किन का ख्याल रखेगा ये एलोवेरा जेल। और बस थोड़ा सा मसाज करने के बाद हो गया मेरा नाइट स्किन केयर कंप्लीट। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपकी भी ऑयली स्किन है तो इस रूटीन को जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको 100% इसका असर दिखेगा। और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पहाड़ी गर्ल को अपना फ्रेंड बना लीजिए यार, मेरा भी नया चैनल है तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एंड वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर गाइस, बाय।